बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी और आलू का सालन बना रही हूँ। देखिए, ये आधी किलो मैदा है, 1 पाव चमचा सोडा है, नमक तो अपने हिसाब से डाल लेना, 2 चमचे दही है और 1 चमचा तेल है। देखिए, ये पूरी का है। ये बोले तो आलू है, आधी किलो आलू, आधा करिया पाक, 4 हरी मिर्ची, आधा कट्टा कोतमीर, 1 प्याज, 1 टमाटा, आधा चमचा रई, 1 चमचा अदरक लहसुन, नमक तो अपने हिसाब से डाल लेना, आधा चमचा हल्दी, आधा चमचा मिर्ची है। देखिए, आगे तक मेरी रेसिपी देखिए। चूल्हा सिलगा रही हूँ। देखिए, चूल्हा सिलगा के कुकर रखी, कुकर रख के इसके अंदर 3 चमचे तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म होगा, रई डाल रही हूँ इसके अंदर। रई जर्रा लाल होगा बाद लाल मिर्चियाँ 2 डाल के थोड़ा करिया पाक डाली। बघार अच्छा जर्रा हो गए बाद इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। बारीक प्याज कट कर ली मैं इसमें, अंडे की प्याज रहती वैसा बारीक कट कर ली। तो प्याज को ये अच्छा जरा लाल भून लेना, 1-2 मिनट लाल भुनी प्याज को। तो इसके अंदर हल्दी भी और नमक डाल रही हूँ। हल्दी और नमक डाले बाद इसको 1-2 मिनट अच्छा भून लेना। कम चूल्हे पे भून रही हूँ मैं, चूल्हा कम कर दिए। तो इसके अंदर फिर अदरक लहसुन डाल रही हूँ। अदरक लहसुन भी 1-2 मिनट अच्छा भुनना है इसके अंदर। अदरक लहसुन को भी कम चूल्हे पे 1-2 मिनट भुने बाद इसके अंदर मिर्ची डाल दी मैं। मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन पूरा 4 चीज़ डाल के उसको अच्छा मिला लिए बाद टमाटे बारीक कट कर ली मैं। टमाटे बारीक कट कर लेके जैसा प्याज कट करी ना सेम टमाटे वैसे कट करी। अब इसको अच्छा मिला के क्या करती हूँ, 5 मिनट ढाप के, थाली ढाप के रख देती हूँ। तो टमाटे तेल में गल जाते हैं। आलू कट कर ले रही हूँ। आलू को ऐसा बारीक कट कर लेना, जितना भी बारीक अपन कट करें ना उतना अच्छा। तो आधे आलू अपन गला लेना उसके अंदर, आधे आलू को अपन मैश कर लेना उसके अंदर। ये देखिए ऐसा, ये हिसाब से कट कर ली मैं आलू। तब आलू को धो के अब बाजू में रख डाली मैं। तो इसको टमाटे गल गए, देखिए पूरा टमाटे भी गल गई, प्याज भी गल गई। अपन तेल में धीमे पे छोड़ देते ना तो जब टमाटे भी प्याज पूरा गल जाती अच्छा, 1-10 मिनट में। आलू डाल दे रही हूँ मैं इसके अंदर हूँ। तो ऐसा बारीक ये हिसाब से कट कर लेना, बड़े बड़े कट कर लिए तो जल्दी अपने को गलते भी नहीं। तो आलू, एक एक आलू आजकल के क्या है सखात रहे आलू भी कद्दू। तो इसको अंदर आधी गिलास पानी डाल रही हूँ। देखिए, मैं आधी गिलास पानी डाल के 1 सीटी लगा देती हूँ उसको। चूल्हा तेज़ करी, देखिए मैं तेज़ करके 1 सीटी होने देती हूँ। आटा भिगा ले रही हूँ। देखिए, तो इसमें आटे के अंदर मैं दही भी और सोडा और नमक और तेल डाल रही हूँ। मैं बताई ना आप लोगों को, वो हिसाब से डाल रही हूँ। अब ये पूरा मिला लिए बाद थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके अंदर अच्छा मिला लेना। इसको अच्छा गुनना, जितना अच्छा गुने ना तो उतना अच्छा रहता। तो मैं 1 चमचा तेल बताई, देखिए आप लोगों को, तो वो 1 चमचा तेल पूरा डाल के उसको अच्छा आटे को मिला ले रही हूँ। तो ये पूरी जो रहती ना तो खाली हाथ से ऐसा करे तो टूट जाती उसके अंदर। पानी थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छा गुनना अपन लोगों को, ज़्यादा नहीं गुनना उसको, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डाल के गुनते जाना है इसको। अच्छा गुन ली अब मैं इसको, अच्छा आधा घंटा छोड़ देती हूँ बाजू में। इसको कपड़ा ढाप के छोड़ देना, आधा घंटा नहीं बोल को बोले तो भी 15 मिनट तो भी छोड़ देना। 1 सीटी हो गई आलू की। अब मैं कुकर की सीटी निकाल दे रही हूँ। सीटी निकाल दिए बाद इसके अंदर पूरा गल गए, देखिए आलू हम पूरा बताती हूँ मैं। तो अपन जितना भी बारीक काटे ना आलू तो जल्दी गल जाते उसके अंदर। तो अब मैं चूल्हा धीमा करी, देखिए धीमा करके इसको मैश कर रही हूँ। कहीं को बोले तो आधे आलू को ये कर दे रही हूँ, उसको आधे आलू वैसे ही रख रही हूँ। जब पूरी से खाते ना तो इतना मज़े का होता ये सालन आलू का, फीका फीका रहता, बहुत मज़े का रहता। कोतमीर भी और बोले तो हरी मिर्ची कट कर ली थी मैं, उसको रख डाली। अभी इतना ढीला च रख रही हूँ मैं, आधी गिलास पानी पहले डाली थी ना तो ढीला होने के वास्ते नहीं, इतना मैं रख दी थी बाद में डालना नहीं बोल के। तो होगा, देखिए मैं इसको 1-2 मिनट रख के निकाल के बता देती हूँ। पूरा गल गए, देखिए पूरा आधा आधा। जब पूरी से खाते ना इसके अंदर बठाने भी डाल सकते, बहुत मज़े के होते बठाने, हरे बठाने डाले तो भी। निकाल रही हूँ देखिए, कटोरे में निकाल के बता रही हूँ। तो इतना मज़े के रहते सालन ये, बहुत फिक्का, बहुत। अपन पराठे के साथ भी खा लो आलू का सालन, बच्चे खास करके इतना शौक से खाते, छोटे बच्चे बहुत शौक से खाते, बहुत मज़े का और बहुत टेस्ट रहता। पूरी के वास्ते मैं तेल डाल रही हूँ। देखिए, तेल अपने हिसाब से डाल लेना, पूरी डूबे सर का, ज़्यादा उसमें कम डाले तो अपने को पूरी नहीं डूबती है। देखिए नरम होगा, देखिए आटा पूरा है, देखिए कितना नरम होगा, ऐसा मैं निकाल के बता रही हूँ। देखिए दे, अलग अलग दिख रहा है। देखिए, तो अपन इसमें दही भी थोड़ा, अपन सोडा खाते सो डालते ना तो पूरी इतनी नरम नरम होती, दही और तेल और थोड़ा सोडा डालते, इतनी बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की रहती है पूरी। किसी के साथ भी खा सकते, देखिए दूसरे सालन के साथ भी खा सकते, चाय में डुबा के भी खा सकते, बहुत चीज़ों के साथ खा सकते ये पूरी।
तो अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, पूरा ऐसा रोटी के सर का बेल के उसको पूरा पेड़े बनाती हूँ, ऐसा निकाल के छोटे छोटे, अपने जो साइज़ की पूरी हो ना वो साइज़ की मैं कट कर लेती हूँ उसके अंदर। अपन ज़्यादा बड़ी भी बना सकते हैं इसमें, कितना भी अगर अपने को पतले रहे तो क्या है, इसमें सखात हो जाते हैं उसको, ज़्यादा पतले एक बेले तो अपन मोटे मोटे जो बेलना, उतने ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बेलना। ये देखिए, ये हिसाब से मैं पेड़े पूरे बना ली, तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, दो 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 बेल के तलते जाती हूँ इसके अंदर। सख्त भी हो जाते ना, अपन साइड में बेल के रखे तो भी नहीं, अगर अपने को जल्दी रहे तो क्या करना, पूरे बेल लेना, बेल के एक थाली में रख के पूरे एक साथ भी तल ले सकते हैं। अब फैमिली अपनी ज़्यादा है घर में, अब पूरे जने बैठे तो जल्दी जल्दी होना बोले तो भी पूरे एक बार तल ले सकते। तो मैं इसको दो 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 बेल के तल लेती हूँ। देखिए ये साइज़ के मैं, ये देखिए छोटे से मैं बना के बता रही हूँ, मैं और एक बार भी डाली थी देखिए मेरे चैनल के ऊपर ये पूरी का। तो ये हिसाब से मैं जो हिसाब से रेसिपी बताई ना, वो हिसाब से बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के, ढाबे के में भी नहीं मिलते वैसे रहते। देखिए ये अपन हाथ से बना के खाए सो बात ही अलग रहती है, अपन लोगों को कितना भी रेडीमेड अगर लाए तो अपने को समझ में नहीं आता कैसा फूल रही। देखिए ये देखिए पूरा अलग अलग हो गई, जैसा फूल रही ना आई नहीं, खाली हाथ में लेने के साथ ही अलग अलग हो जाती, होंठों से खाली सर की हो जाती। देखिए उतने मज़े की और उतनी टेस्ट रहती। मैं चूल्हा मीडियम करके तल रही हूँ, देखिए तेज़ पे भी नहीं तल रही, कम पे भी नहीं तल रही, हो गए तलनी। देखिए मैं थोड़ा एक पूरी तोड़ के बताती हूँ मैं आपको कितनी नरम और कितनी टेस्टी और मज़े की हुई बन के। ये देखिए खाली मैं इसको खाली धक्का लगे, देखिए धक्का लगाने के साथ ही उसको मैं ज़्यादा जोर भी नहीं डाली पूरी को। देखिए मैं सब छोड़ के बता रही हूँ, देखिए।